हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग कितने स्क्वायर एमएम के वायर पर कितने एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक फिटिंग के लिए हम लोगों को लोड कैलकुलेशन के हिसाब से कैसा वायर लगाना चाहिए, आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉपर के वायर के बारे में कि हम लोग 1 mm स्क्वायर के वायर पर कितना एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, 25 mm स्क्वायर के वायर पर कितना लोड दे सकते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है और इसका वोल्टेज कितना परसेंट ड्रॉप होता है या कितने परसेंट वेरिएशन आता है वोल्टेज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो 1 mm स्क्वायर का वायर होता है उस पर हम लोग बेसिकली कितना एम्पियर तक के लोड दे सकते हैं। तो जो हमारा 1 mm स्क्वायर का वायर होता है, इस पर हम 4 से 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम लोग एक फॉर्मूले से या हम जो बेसिक हमारी कैलकुलेशन होती है उससे निकालेंगे। तो जो हमारा 1 mm स्क्वायर का वायर है, वो जो 1 आता है उसको हम लोग पहले 4 से इंटू करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1 को हम लोग करेंगे 6 से इंटू, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा लोड आएगा वो आएगा कितना, 4 एम्पियर। उसके बाद आएगा हमारा 6 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है, तो वो हम लोग मानते हैं 2% का। कितने परसेंट का? 2% का, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग 2% का मानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इसके बीच का जो करंट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 5 एम्पियर। कितना आएगा दोस्तों? 5 एम्पियर। तो दोस्तों, हमारा जो 1 mm स्क्वायर का वायर होता है, इस पर हम लोग 5 एम्पियर तक के करंट दे सकते हैं। अब दोस्तों, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है दोस्तों। जो हमारी वायरिंग होती है उसकी जो लाइट होती है, हमारा जो लाइटिंग लोड होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा 1 mm के वायर के लिए हम लोग कहाँ पे? तो हमारा लाइटिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लाइटिंग लोड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा आता है कि हमारा जो हमारा 1.5 mm का वायर होता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारा जो 1.5 mm का जो वायर होता है कॉपर का, इस पर हम लोग कितना एम्पियर तक का लोड देते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है और इसका जो वोल्टेज वेरिएशन होता है वो कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो 1.5 है तो हम लोग इसको फिर से काउंट करेंगे। तो 1.5 हमारा स्क्वायर एमएम है टोटल। इसके बाद इसका इंटू हम लोग करने वाले हैं 4 से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका इंटू करेंगे हम। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा 1.5 mm स्क्वायर की जो केबल है उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे कि 1.5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे। उसके बाद हम लोग 1.5 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे। तो हमारा जो लोड आएगा वो 6 एम्पियर और 9 एम्पियर आएगा। इसके बाद जो 2% का वेरिएशन होता है वो हम लोग इसको निकालने के बाद देखते हैं, हमारा जो लोड आएगा वो हमारा आएगा 8 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग काय में करने वाले, हमारा जो नॉर्मल सीलिंग फैन हो गया, ठीक है दोस्तों, या फिर जो हमारा एग्जास्ट होते हैं उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है, 2.5 mm की जो हमारा वायर होता है उसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे कि हम 2.5 × 4 करेंगे, फिर इसके बाद 2.5 × 6 करेंगे। तो जो हमारा वोल्टेज हमारा एम्पियर आएगा तो वो आएगा हमारा 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। इसके बाद इसका वोल्टेज का 2% हम लोग निकालने वाले हैं। तो जो हमारा फुल लोड आएगा इसका, तो वो आएगा हमारा 12 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब इस 12 एम्पियर को हम लोग कि जो केबल है उस लोड को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको एसी में यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी प्रेस होती है इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो 4 स्क्वायर mm की केबल होती है या 4 स्क्वायर mm का जो वायर होता है इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे कि 4 × 4 और 4 × 6, ठीक है दोस्तों। तो 4 × 4 हमारा 24 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद 4 × 6 16 एम्पियर हो जाएगा और ये 24 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 2% इसका निकालेंगे। 2% निकालने के बाद इसका जो हमारा फुल लोड करंट होगा तो वो होगा हमारा 20 एम्पियर। अब इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो हम लोग इसको हीटर में यूज़ कर सकते हैं, हीटर वगैरह में जो हम लोगों को ठंड में लगता है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या बोल, इसके बाद हम बात करने वाले 6 स्क्वायर एमएम के वायर के लिए।
तो यही प्रोसीजर हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, 6 × 4 एंड 6 × 6। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 6 × 4 = 24 एम्पियर आएगा, और 6 × 6 = 36 एम्पियर। फिर इसके बाद हम लोग इसका 2% वोल्टेज का लॉस निकालने के बाद जो हमारा वोल्टेज, हमारा टोटल जो एम्पियर आएगा वो आएगा हमारा 30 एम्पियर। कितना आएगा? 30 एम्पियर। तो इस वायर को हम लोग, जो हमारे डीबी है, जो हमारा मीटर से डीबी तक के आती है लाइन, उसमें यूज़ कर सकते हैं, या डीबी टू मीटर में यूज़ कर सकते हैं, जो मेन होती है हमारी मेन लोड केबल या मेन लोड वायरिंग, उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 10 square mm का वायर। वैसे डोमेस्टिक में 10 square mm का वायर हम लोग यूज़ करते नहीं है जनरली, फिर भी हम लोग 10 square mm के भी देख लेते हैं। तो जो 10 एम्पेयर का वायर है उसके लिए हम लोग देखेंगे, 10 × 4 तो हमारा 40 एम्पेयर, और 10 × 6 हमारा 60 एम्पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 2% निकालने के बाद हमारा कितना एम्पेयर आएगा फुल लोड? तो हमारा 50 एम्पेयर आएगा। अब इस वायर का हम लोग जो जनरली यूज़ करेंगे, जो हमारा सर्विस लाइन होती है, ठीक है दोस्तों, जो सर्विस लाइन हमारे खंभे से आती है हमारे घर तक के, जो हमारे घर से हमारे खंभे से घर तक के जो केबल आती है, उसमें हम लोग 10 square mm के वायर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे 16 mm square का। तो जो 16 mm square का जो वायर होता है, इसमें भी हम लोग सेम यही करेंगे, 16 × 4 एंड 16 × 6। तो 16 × 4 हमारा 64 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद 96 एम्पियर। फिर इसका हम लोग 2% वोल्टेज लॉस निकालेंगे, तो हमारा जो फुल लोड होगा वो हमारा हो जाएगा 80 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ये ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में जैसे हमारी बड़ी बड़ी मोटर्स हो गई, पंप सेट हो गए, या फिर हमारी जो एसी मशीन है वो बड़े लोड पे काम करती हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग कॉपर की एक 16 square mm की केबल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेम हमारा जो 25 square mm का है वो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो 25 × 4 एंड 25 × 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 100 एम्पियर, उसके बाद हमारा 150 एम्पियर। अब इसका हम लोग 2% वोल्टेज लॉस निकालने के बाद जो हमारा फुल लोड करंट होता है इसका, वो होगा हमारा 125 एम्पियर। अब ये जो 125 एम्पियर हम लोग, ये जो इतने बड़ी बड़ी, इसका भी हम लोग मोटर, ठीक है दोस्तों, पंप्स, या फिर जो पावर केबल होती है बड़े बड़े पैनल को चार्ज करने के लिए हम लोग जो पावर केबल का यूज़ करते हैं, या फिर हमारी जो बड़े बड़े ब्रेकर्स वगैरह इसमें जो लगती है केबलें, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को अभी